बच्चों, आज हम हनी सकल की किताब का पार्ट 2, हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ अ न्यू मास्टर पढ़ेंगे। शुरू करते हैं इसकी समरी से। यह एक मनोरंजक काल्पनिक कहानी है जो दर्शाती है कि कुत्तों की मनुष्य से दोस्ती कैसे शुरू हुई। इस कहानी के शुरुआत में उस समय से होती है जब किसी भी जानवर का कोई मास्टर नहीं था और सभी अपने ढंग से जीवन व्यापन करते। तो शुरू करते हैं। सारे कुत्ते में से एक ऐसे कुत्ते ने जन्म लिया जो सभी कुत्तों से अलग था। उसकी सोच थी कि शिकार की खोज में दर दर भटकने और दूसरे जानवरों से डरने से अच्छा है कि एक सबसे ताकतवर मास्टर की सर्विस की जाए। तो इस सोच के साथ वह कुत्ता अपने मास्टर की तलाश में निकल गया। सबसे पहले उसे जंगल में एक भेड़िया मिला। कुत्ता सोचा कि भेड़िया एक खतरनाक जानवर है, यह जरूर सबसे शक्तिशाली प्राणी होगा। इसी सोच के साथ वे भेड़िए को अपनी सर्विस देने की बात कही। भेड़िया बात मान गया और दोनों एक साथ शिकार पे निकल गए। थोड़ी देर बाद अचानक भेड़िया डर कर जंगल में छुपने लगा। कुत्ते ने पूछा, क्या हुआ भेड़िया भाई? भेड़िया बोला, यह एक भालू बियर है, जंगल में जाओ नहीं तो भालू हम दोनों को मार डालेगा। कुत्ते को हकीकत का भान हुआ, भेड़िया से ज्यादा शक्तिशाली तो भालू है, उसके पास क्यों ना जाऊं। ये सोचकर कुत्ता भालू के पास चला गया। भालू ने भी उसे अपना वफादार समझ शिकार पर रख लिया। दोनों एक दिन गायों के शिकार पर निकले। तभी गायें डरकर भागने लगी, भालू भी डरकर जंगल में छुपने लगा। यह देखकर कुत्ते को अचंभा हुआ कि भालू भी किससे डरता है। भालू ने कहा, शेर जंगल का सबसे ताकतवर प्राणी है, मैं भी उससे डरता हूँ। तब कुत्ता भालू को छोड़कर शेर की सर्विस देने लगता है। दोनों को काम करते हुए काफी दिन बीत जाते हैं। कुत्ता खुश रहता है कि उसे सबसे ताकतवर प्राणी का साथ है, अब डरने की कोई जरूरत नहीं है। पर अचानक एक दिन शेर दहाड़ता है, कसकर जमीन पर पांव पटकता है और पीछे जाने लगता है। कुत्ता पूछता है, क्या हुआ शेर? शेर बताता है, सामने से एक मनुष्य आ रहा है, वापस चलो नहीं तो हम किसी परेशानी में फंस जाएंगे। कुत्ता सोचता है, शेर को सबसे ताकतवर प्राणी समझता था, पर यहाँ तो मनुष्य सबसे ताकतवर है। सबसे मनुष्य और कुत्ता साथ साथ, और कुत्ता मनुष्य का वफादार पालतू है। ये थी पाठ की समरी। अब हम शुरू करते हैं पाठ को समझना। हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ अ न्यू मास्टर। डॉग्स वर वंस देयर ओन मास्टर्स एंड लिव द वे वॉल्व्स डू इन फ्रीडम अंटिल अ डॉग वॉज बॉर्न हु वॉज इल प्लीज एंड विद हिज वे ऑफ लाइफ ही वॉज सिक टायर्ड ऑफ वॉन्डरिंग अबाउट बाई हिमसेल्फ लुकिंग फॉर फूड एंड बींग फ्राइटेंड ऑफ दो Who were stronger than he? अब एक डॉग, पहले क्या होता था, जो डॉग्स थे ना वो अपने खुद के मास्टर होते थे, मतलब अपने खुद के ओनर होते थे। दे आर ऑन मास्टर्स, अपने काम खुद करनी, किसी की चाकरी नहीं करनी, ठीक है। डॉग्स वर वंस देयर ओन मास्टर्स एंड लिव द वे वॉल्स टू, जैसे भेड़िए रहते हैं ना वैसे रहते थे, फ्रीडम मतलब फिर रहते थे। Until a dog was born, अब क्या हुआ? एक और डॉग ने, यानी कि एक और कुत्ता पैदा हुआ। Who was ill pleased, who was old fashioned, was not happy with his way of life, उसे तरीका ही नहीं पसंद था। He was sick and tired of wandering about himself. Sick मतलब बीमार था। एंड टायर्ड ऑफ वॉन्डरिंग अबाउट बाई हिमसेल्फ, मतलब उसको घूमना नहीं पसंद था, किसके लिए? खाने के लिए, लुकिंग फॉर फूड एंड बींग फ्राइटेंड ऑफ दोज हु वर स्ट्रॉन्गर देन हिम, जो उससे ज्यादा ताकतवर होते थे और उनसे डरना भी नहीं पसंद था, ठीक है। सेकेंड पैराग्राफ पे आते हैं। He thought it over and decided the best thing for him to do was to become the servant of one who was stronger than anyone on earth. And he set out to find such a master. अब उसने सोचा, he thought it over and decided that the best thing for him to do was to become the servant of the one
who was stronger than anyone on the earth. वो कह रहा है, he thought it, मतलब उसने सोचा इस बारे में, and decided, और निश्चय किया कि the best thing, सबसे अच्छी चीज क्या है उसके लिए, the best thing for him, मतलब उसके लिए सबसे अच्छी चीज क्या है, to do was to become the servant, मतलब मुझे उसका नौकर बनना चाहिए, किसका, of one who was stronger than anyone on earth, मतलब अर्थ के अंदर जो सबसे शक्तिशाली है ना, मेरे को उसका सर्वेंट बनना होगा. He set out to find such a master. Now he want that master, जो सबसे शक्तिशाली है. तीसरा पैराग्राफ. He walked and he met a kingsman of his, a big wolf, who was as strong as he was fierce. वो कह रहे कि he walked, अब वो चलता गया. He walked again, चलता गया. He met a kingsman of his, मतलब उसको अपना कोई एक kingsman means अपना कोई relative मिलता है. Fierce means a big wolf who was as strong as he was fierce, मतलब वो किसी से डरता नहीं था. एक भेड़िया मिला, वो डरता नहीं था, बहुत strong था. Where are you going, dog? The wolf asked. A wolf पूछता है, कहाँ जा रहे हो? सही. फिर वो answer देता है, I am looking for someone to take up service with. कह रहे, मैं किसी का servant बनना चाहता हूँ. So, who would you like to be my master, wolf? अब dog बोलता है कि क्या तुम मेरे master बन सकते हो? क्या मैं तुम्हारा servant बन सकता हूँ? I don't see why not, the wolf said. Wolf कहता है क्यों नहीं बन जाओ. And this agreed upon, the two of them went on together. अब ये दोनों के बीच में तय होता है और दोनों साथ चलते हैं. They walked, and all of a sudden, the wolf lifted his nose and sniffed, darted quickly off the path and into the bushes and crept deeper into the forest. अब क्या होता है? They walked. अब दोनों चल रहे होते हैं. All of a sudden, अचानक से क्या होता है? जो भेड़िया होता है, lifted his nose, नाकुची करके sniffed, यानी कि चीखता है. Darted, थोड़ा सा बहुत तेजी से भागता है. Off the path, path के against, पीछे. Into the bushes में छुप जाता है. And crept deeper into the forest, और forest के बिल्कुल बहुत ज्यादा अंदर चला जाता है. The dog was much surprised. अब dog को बहुत शौक लग जाता है. ये क्या हो गया? What's come over you, master? वो कह रहे हैं, master, आपको अब क्या हुआ? He asked, what has frightened you so? कह रहे हैं, अब क्यों डर गए आप इतने से? Can't you see there's a bear out there? He might eat up both of us, you and me. अब वो कहता है, भेड़िया कहता है कि देख नहीं रहे, भालू है ये और ये हम दोनों को खा सकते हैं. Fifth stanza, seeing that the bear was stronger than the wolf, the dog decided to take up service with him and he left the wolf and asked the bear to be his master. A bear dekhta hai ki wolf zyada stronger hai. To dog decide karta hai ki wo kiska master banega? Bear ko apna master banayega. Bear agreed to this readily. Bear maan jata hai and said, let's go and find a herd of cows. Bear kehta hai, chalo hum gaye dhoondte hain. I'll kill a cow and then we can both eat our fill. कह रहे, मैं मारूंगा, मैं काऊ को मारूंगा और फिर हम दोनों अपना पेट भर लेंगे, खा लेंगे उसको. They walked on and soon saw a herd of cows. But just as they were about to come up to it, they were stopped by a terrible noise. अब एक दहाड़ आती है. The cows was moving loudly and running in a panic in all directions. अब cows जो होती हैं इधर उधर देख रही होती हैं डरी हुई. The bear looked out from behind a tree. अब bear पेड़ के पीछे से देख रहा होता है. And then he too ran hesitantly deeper into the forest. अब वो भी दुबक के forest में छुप जाता है. होता क्या है? देखेंगे आगे. Now why did I have to come here? Said he to the dog. It is the lion who rules the forest in these parts. अब वो वापस डॉग को कहता है कि ना ये एक शेर है जो फॉरेस्ट का, जंगल का राजा है.
द लॉयन, हु इज ही? अब डॉग बोलता है लॉयन कौन है ये? डोंट यू नो ही इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बीस्ट ऑन द अर्थ, सबसे शक्तिशाली जो है जानवर है अर्थ पे वो है लॉयन. वेल देन आई विल से गुड बाय टू यू बियर, आई वॉन्ट अ मास्टर विच हु इज स्ट्रॉन्गर देन एनी वन ऑन अर्थ. वो कह रहे हैं ठीक है बाय बाय बियर. वो कहता है बाय बाय, आई वॉन्ट अ मास्टर, मुझे ऐसा मास्टर चाहिए जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है. एंड ऑफ द डॉग वेंट टू आस्क द लॉयन टू बी हिज मास्टर. वो लॉयन के पास चला जाता है कि भाई मेरे मास्टर बन जाओ. लॉयन मान जाता है. डॉग कहता है डॉग स्टेड विद हिम एंड सर्वड हिम फॉर द लॉन्ग एंड लॉन्ग टाइम. अब डॉग क्या होता है, बहुत टाइम तक उसके साथ रहता है. एंड इट वॉज अ गुड लाइफ एंड ही हैड नथिंग टू कंप्लेन फॉर देयर वॉज नो स्ट्रॉन्गर बीस्ट इन द फॉरेस्ट देन द लॉयन. अब वो कह रहे हैं सबसे शक्तिशाली जो जानवर था वो लॉयन था. No one dared touch the dog or offend him in anything. किसी हिम्मत ही नहीं होती थी कि कोई उसको टच भी करे और कोई परेशान भी कर पाए. But one day the two of them were walking side by side along a path that ran amid bare cliffs when all of a sudden the lion stopped. अब क्या होता है, एक दिन क्या होता है, दोनों चल रहे होते हैं. Two of them were walking side by side along a path. एक रास्ते पे चल रहे होते हैं. That ran amid, बीच में क्या आ जाता है उनके, bare cliff, एक rock का, एक बड़ी सी rock का टुकड़ा आ जाता है. When all of a sudden lion stopped, और जो lion होता है वो रुक जाता है. He gave a great roar and struck the ground angrily with his paw with such force that a hole formed there. और वो जोर के दहाड़ मारता है एंड ग्राउंड पे खड़ा हो जाता है गुस्से से. विद हिज पाव विद अ फोर्स, जोर के अपना पंजा मारता है कि उस एरिया के अंदर होल बन जाते हैं. देन ही बिगेन टू बैक अवे वेरी क्विकली. अब धीरे धीरे किस होने लगता है. व्हाट इज इट मास्टर, वापस डॉग पूछता है क्या है ये, इज एनीथिंग रॉन्ग, कुछ गलत. आंसर डॉग सरप्राइज्ड. फिर लॉयन कहता है आई स्मेल अ मैन कमिंग दिस वे. वो कह रहा है कि मैंने एक आदमी को देखा है, एक ह्यूमन को देखा है, एक इंसान को देखा है इस रास्ते पे आने में. आई वुड बेटर रन फॉर इट और वी विल बी इन ट्रबल. कह रहे भाग लो नहीं तो मुसीबत में पड़ जाएंगे. ओ वेल देन आई से गुड बाय टू यू लॉयन, आई वॉन्ट अ मास्टर हु इज स्ट्रॉन्गर देन एनी वन ऑन अर्थ. अब वापस डॉग सेम बोलता है जो सबको पहले बोलता आया था, चलो गुड बाय, मुझे ऐसा मास्टर चाहिए हु इज स्ट्रॉन्गर देन एनी वन ऑन अर्थ. डॉग इज मैन्स मोस्ट लॉयल सर्वेंट एंड नोज नो अदर मास्टर. तब से क्या करता है, डॉग मैन को ज्वाइन कर देता है और उसके साथ रहता है अपनी पूरी फेथफुली मीन्स पूरी निष्ठा के साथ. This happened long, और ये बहुत टाइम तक चलता आता है. But to this day, the dog is अब इस टाइम तक सबसे ज्यादा जो लॉयल सर्वेंट है, सबसे ज्यादा जो लॉयल ईमानदार जो नौकर है वो डॉग है. ऐसा नो नोज नो अदर मास्टर. ये इंसान को भी पता है कि सबसे ज्यादा जो सर्वेंट अच्छा है वो डॉग है. आशा करती हूँ मुझे आपको ये लेसन समझ में आया होगा. थैंक यू.